इंसी भाई, आपकी बात को ज्यादा सीरियसली ले लिया मेरे ख्याल से। आप कह रहे थे पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऑल आउट जाए, हल्का ना ले किसी टीम को। जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल यही कहा था, लेकिन मैंने इतना भी सीरियस नहीं कहा था। वो इसलिए कि हल्का तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन थोड़े से नए लड़कों को ट्राई कर लेना चाहिए था। हाँ। तो इसमें अगर आप ना हसनैन को या हसन को ट्राई कर लेते तो उसमें ये नहीं है कि जी आप दूसरी टीम को लाइट ले रहे हैं। ये भी दोनों बड़े क्वालिटी प्लेयर हैं, और स्पेशली हसनैन तो बिग बैश में और 100 बॉल में बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है, तो उसको ट्राई करते आना चाहिए था। क्योंकि जितनी गर्मी थी कि इंजरीज की वजह से कह रहे थे अगर ये लड़के अगर इस पहले राउंड में खेल लेते तो टीम के लिए बेहतर होता। लेकिन फिर भी ठीक है कि पाकिस्तान ने आज बड़ा अच्छा डिस्प्ले किया कि बैट्समैन खेले एंड के ओवर्स में, जिस तरह हम इंडिया के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे आज थोड़ा सा बेहतर नजर आए खेलते हुए। जी हांगकांग की बॉलिंग को ना देखना, लेकिन बेहतर खेलता हुआ नजर आए। लेकिन ये कि पाकिस्तान को सीरियस कंसर्न है अभी, मुझे अभी भी जो पहले 10 ओवर है, पहले 10 ओवर में पाकिस्तान है ना कोई इतना ज्यादा स्कोर नहीं बना सका। हमारे ओपनर रिजवान ने आज स्कोर किया, उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा, लेकिन वो कहीं मुझे ऐसा फ्री खेलते हुए नजर नहीं आए, उनको थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे खेलना पड़ेगा। लास्ट 10 ओवर्स में 129 स्कोर किया हमने लास्ट 10 ओवर्स में, तो पहले 10 ओवर में हम स्ट्रगल कर रहे थे, 64 रन्स किए थे, 64 और इस बॉलिंग अटैक के सामने यू वुड एक्सपेक्ट के आप ज्यादा तेज खेलें, खासतौर पे जब आपकी एक विकेट गिरी हो। नहीं शहजाद, बात असल ये है कि अच्छी टीमें आपको इतना फ्रीली मारने नहीं देंगी, यू नो मतलब है कि ठीक है आपने 64 for 1 थे, अगर इंडिया होती है आपके, ऑस्ट्रेलिया होगी या बड़ी टीम होगी, तो वो आपको अगले 10 ओवर में इतनी आसानी से नहीं मारेगी। आपके पास वो बॉलर नहीं मिलेगा जिसको आप एक ओवर में 3 छक्के मार लिए आपने, कुछ दिल ने आके ऐसा बॉलर नहीं मिलेगा। 4 छक्के मारे, हाँ, शॉर्ट में शॉर्ट गेम के जाए, यादव ने 4 छक्के मारे। मैंने कहा था ना कि ये यॉर्कर्स आखिरी ओवर में यॉर्कर्स होने चाहिए, उसने फिर आके 4 शॉर्ट बॉलिंग की 4 छक्के खा लिए, तो ऐसे बॉलर्स नहीं मिलेंगे आपको, तो यू हैव टू प्रिपेयर। और वो जो बात हो रही थी कि हम, मैं चाह रहे थे कि हसनैन को खिला लो, अगले मैचेस में अगर कोई ब्रेक डाउन कर गया, खुदा ना खास्ता क्रैम्प पड़ गए तो क्या करेंगे, दो दो दिन का गैप है, आपको रेस्ट नहीं मिला, यू हैव टू प्रिपेयर कि भी जो साथ में बैठे हैं इसलिए कि वो एक अच्छे बॉलर हैं, उनको खिला देते कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, तो क्रिकेट पे जी। लेकिन आज के मैच में सारों से अच्छी जो चीज़ देखने में आई ना, हम बॉलिंग में स्ट्रगल भी कर रहे थे कि हमारे जो दोनों स्पिनर्स थे ना जी, वो इतनी विकेट नहीं ले रहे थे, स्पेशली शादाब विकेट नहीं ले रहा था, रन रोक रहे थे, विकेट नहीं ले रहे थे। उसने इन शादाब ने ना इंडिया के खिलाफ बॉलिंग अच्छी की थी, विकेट नहीं ले सका था, लेकिन आज है ना बड़ा अच्छा हुआ कि उसको 4 विकेट मिली। आज तो उसकी गुगली समझ ही नहीं आ रही थी जी, उनको समझ नहीं आ रही थी। तो आप किसी के खिलाफ भी परफॉर्मेंस दें, आउट करें ना, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो इंशाल्लाह ये वाला कॉन्फिडेंस है ना इंडिया के खिलाफ संडे को है ना देखने को मिलेगा हमें इंशाल्लाह।